गाइस बी टाउन हॉप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे स्काईफोर्स मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चले दोस्तों, बिना देखते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की मूवी स्काई फोर्स जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा में है और उनके फैंस इस मूवी को देखने के लिए बहुत ही क्रेजी है। स्काई फोर्स का प्रोमो जिसे स्त्री 2 से जोड़ा जाना था लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। फिल्म का टीजर लॉन्च स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही मूवी के रिलीज डेट को भी आगे बढ़ा दिया गया है। अक्षय कुमार की ये मूवी स्काई फोर्स देशभक्ति पर आधारित मूवी है जिसके कारण निर्माताओं ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को मूवी की रिलीज की डेट तय की थी। हालांकि ऐसा लगता है कि ये असंभव है। जनवरी 2025 में मूवी को रिलीज करना चाहते हैं और वह भी 76 में गणतंत्र दिवस के आसपास जो 26 जनवरी को पड़ता है। अभी सिर्फ ये खबरें मीडिया में आ रही है, इसके बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। स्काई फोर्स मूवी में अक्षय कुमार कैमियो कर रहे हैं तो वहीं मुख्य किरदार के रूप में इस मूवी से वीर पहाड़िया ने डेब्यू किया है। वीर पहाड़िया के अपोजिट इस मूवी में सारा अली खान मुख्य भूमिका में है। स्काई फोर्स मूवी एक हवाई एक्शन ड्रामा मूवी है जिसने वीर पहाड़िया वायुसेना के अधिकारी के रूप में नजर आएंगे तो वहीं अक्षय कुमार उनके कोच का किरदार निभा रहे हैं। इस मूवी की कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है जो कि 1965 के युद्ध से संबंधित है। तो दोस्तों, आप भी ये मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर।